हे hey, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चों, आज स्टैंडर्ड 10th GSEB गुजरात बोर्ड के हिंदी और गुजराती मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए साइंस में सेक्शन डी के कुछ खास IMP क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं विभाग डी। अब यहाँ पर पहले चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, इसे प्रवृत्ति द्वारा समझाना है। यानी जो किताब में, बुक में चित्र सचित्र वर्णन किया गया है प्रयोग का, उसके द्वारा इसको आपको यहाँ पे समझाना है। फिर है प्रकरण 2, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यह दर्शाने वाला प्रयोग आकृति सहित वर्णन करना है। धातु कार्बोनेट अने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड साथे प्रक्रिया थी कार्बन डाइऑक्साइड वायु उत्पन्न थाय छे, ते दर्शावा प्रयोग ने आकृति सही वर्णन करो। पाचन तंत्र एवं मधुमक्खी के डंक के असर के उपचार में pH का महत्व समझाओ। पाचन तंत्र में एवं मधुमक्खी के डंक के प्रभाव के उपचार में pH का क्या महत्व होता है? जैसे पता ही आपको, पाचन तंत्र में जब अपच हो जाता है तो खाने वाले सोडे का जली विलयन इस्तेमाल करते हैं, और मधुमक्खी के डंक में भी है। तो इसका आपको डिटेल में किताब के हिसाब से वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है pH मापक्रम। pH मापक्रम क्या है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दैनिक जीवन में pH के महत्व को समझाना है कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। दानेदार जिंक की मंद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया को दर्शाने वाला प्रयोग आकृति सहित वर्णन करना है कि कोनिकल फ्लास्क में दानेदार जिंक लेते हैं, उसमें मंद सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे करके मिलाते हैं, तो उनके बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस की को साबुन वाले पानी में से गुजारते हैं, तो यानी वो पूरा प्रयोग आपको सचित्र वर्णन करना है। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक हाइड्रोजन धारण करते हैं, परंतु वे एसिड के अनुसार वर्गीकृत होते नहीं हैं, यह साबित करने के लिए एक आपको प्रवृत्ति की वर्णन करना है। अल्कोहल अने ग्लूकोज जेवा संयोजनों हाइड्रोजन धरावे छे, परंतु तेओ एसिडनी माफक वर्गीकृत थता नथी, ते साबित करवा माटे प्रवृत्ति ने वर्णन करो। आपको ये प्रवृत्ति क्रियाकलाप का वर्णन करना है। प्रकरण 4, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक यौगिकों के बीच आपको अंतर देना है। आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, उनके बीच आपको अंतर समझाना है। मिसेली रचना की क्रियाविधि समझाना है, और साबुन की सफाई की प्रक्रिया का भी वर्णन आपको करना है। मनुष्य में श्वसन तंत्र की आकृति बनाकर श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि को समझाना है। श्वसन तंत्र की आकृति बनाना है और उसके बाद श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि को आपको समझाना है। मनुष्य में पाचन तंत्र की आकृति बनाकर समझाना है, यानी पहले पाचन तंत्र की आकृति बनाइए फिर समझाइए। मानव के मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्य को समझाना है। अगले प्रकरण में, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन आकृति सही समझाना। कांच के प्रिज्म द्वारा होने वाले श्वेत प्रकाश के विभाजन को आकृति बनाकर आपको समझाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, विस्तार से वर्णन करिए। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना हुआ है, ये दर्शाने वाले न्यूटन के प्रयोग आकृति बनाकर क्या करना है, समझाना है। वही प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश के गुजरने से 7 रंग निकलते हैं, वही वर्ण विक्षेपण वाला ही। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए विद्युत धारित, विद्युत प्रवाह धारित वाहक पर लगने वाले बल की आकृति को बनाकर समझाना है, चित्र बनाकर समझाना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है, ये आकृति बनाकर आपको समझाना है। अर्थिंग वायर का कार्य क्या है, घरेलू परिपथ में अर्थिंग वायर का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वो समझाना है। घरेलू विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग के निवारण के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और घरेलू विद्युत परिपथ की आकृति बनाकर उसे सविस्तार से आपको समझाना है।
विद्युत धारा के उपयोग में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? फ्यूज कौन से सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज की आकृति बनाकर इनके महत्व की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो बच्चे कुछ आईएमपी इम्पॉर्टेंट सवाल थे जिनको आपको अपनी बुक में टिक कर लेना है और इनको तैयार भी करना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। आपको और भी दूसरे सेक्शंस के वीडियोज़ भी मैं आपको देता हूँ।